हाय गाइस, दिस इज राहुल और इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं विंग्स के ग्लाइड नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन्स। और ये जो ईयरफोन्स है मैंने अमेजोन से मंगाए हैं। तो इसके पैकेजिंग की बात करते तो यहाँ पे पैकेजिंग आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है और बॉक्स भी अच्छा है। यहाँ पे फ्रंट की बात करें तो विंग्स का यहाँ पे आपको लोगो दिखाई दे रहा है और जो ब्रांडिंग दिखाई दे रही है ग्लाइड नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन्स यहाँ पे लिखा है। इसके जो बैक की बात करें तो बैक में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे बैक में यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रही है 4000 रुपीज़, पर मुझे ये पड़ा है सिर्फ 999 में। तो यहाँ पे प्राउडली डिज़ाइन इंडिया यहाँ पे लिखा है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है शायद मेरे हिसाब से चाइना में हुई है और ये डिज़ाइन यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इस बॉक्स के जो लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपको IPX7 स्वेट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे रेटिंग दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्ट इन सब वूफर फॉर एक्स्ट्रा बेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 8 आवर्स प्ले टाइम। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है HD माइक्रोफोन और यहाँ पे लिखा है कम्फर्ट फिट। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे खोलने के बाद हमें ये सब चीज़ें मिलती है। यहाँ पे हम लोग को एक कार्ड मिल रहा है, यहाँ पे आपको फ्री गाना का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और यहाँ पे स्टेप भी दिखाए हैं आपको क्या करना है गाना सब्सक्रिप्शन पाने के लिए। तो यहाँ पे यूज़र मैनुअल दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिलते हैं मीडियम और लार्ज में, तो इन्हें भी साइड रखते हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक USB केबल मिलती है और USB केबल की क्वालिटी भी अच्छी है। तो यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगी इन ईयरफोन्स में। तो क्वालिटी तो यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। तो मैंने अभी ये बॉक्स से निकाले हैं और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे बटन्स वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स दिखाई दे रहे हैं, प्लस माइनस का बटन आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पॉज और ऑन ऑफ का बटन आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे ये मैट फिनिशिंग है और ये जो क्वालिटी है इस इन ईयरफोन्स की बहुत ही अच्छी है। और एक इसका जो खास बात है ये बहुत ही लाइट वेट आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे राइट साइड में आपको सिर्फ यहाँ पे ब्रांडिंग दिखाई देगी विंग्स की। यहाँ पे जो ईयरबड्स की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है मेरे को, इससे थोड़ी क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती थी ईयरबड्स की, पर ठीक है जो प्राइस में आपको ये मिल रहे हैं उस हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ इसकी बात करें तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको मैग्नेट मिलता है, ये ऐसे चिपक जाएंगे, पर इसका जो मैग्नेट है इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इन ईयरफोन्स का मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है आपके कान में और बहुत ही हल्के फुल्के है। अगर हम किस साउंड की बात करें तो साउंड क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है, आपको क्लियरली साउंड सुनाई देंगे। जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी आपको यहाँ पे अच्छे से सुनाई देगा, इंस्ट्रूमेंट भी आप क्लियरली सुन सकते हो। अगर हम इसके बेस की बात करें तो यहाँ पे आपको इतना बेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको बेस से ज़्यादा क्लियरिटी साउंड में पसंद है तो आप ये डेफिनेटली ईयरफोन्स कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको Realme Buds 2 के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे इसका जो बेस है वो Realme Buds जितना नहीं है, Realme Buds में आपको ज़्यादा बेस देखने को मिलेगा। अगर आपको बेस अच्छा चाहिए तो आप Realme 2 Buds को कंसिडर कर सकते हो, इनका जो बेस है वो बहुत ही अच्छा है। और इन दोनों की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे ईयरफोन्स है, क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छे हैं, इनके साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बेस थोड़ा सा कम है। आप डेफिनेटली इन ईयरफोन्स को कंसिडर कर सकते हो, इनका प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है, सिर्फ 999 रुपये में आपको ये मिलता है। था मेरा वीडियो विंग्स ग्लाइड नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को।